नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। शाजापुर जिले के अकोदिया में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार के नेतृत्व में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए गैस, पेट्रोल, डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर नगर के टेंशन चौराहे से बस स्टैंड तक युवक कांग्रेस के द्वारा ठेले पर गैस टंकी मोटरसाइकिल रखकर नारेबाजी करते हुए बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां पर युवक कांग्रेस द्वारा मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना काल में पूरी तरह विफल रही है। यह सरकार हत्यारी है, यहां तक कि मौत के आंकड़े भी सरकार में छुपाए गए हैं। जबकि शाजापुर जिले का ही रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो एक ही शमशान में 394 लोगों की मौत के आंकड़े हैं, लेकिन उन्होंने मात्र 52 लोगों का ही आंकड़ा बताया है और अन्य शमशान और कब्रिस्तान की तो गिनती ही बाकी है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राम नारायण कुशवाहा, राहुल गांधी मंच जिलाध्यक्ष नितेश जायसवाल, महेश कंचन, नितेश टागा, विजय भानेश ठाकुर, बलवीर सिंह राजपूत, इंदर बाबा, छोटू ठाकुर सहित कई कांग्रेसी युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये लोग कमलनाथ जी के ऊपर FIR करते हैं। अरे भैया, हम तो ये कहेंगे पूरे कांग्रेस पे आप FIR करो। अगर सच की बात उठाना गलत है तो मैं पूरे कांग्रेस परिवार पे FIR करें। आप आंकड़े छुपाए गए हैं, ये बात सत्य है। मैं अपने शाजापुर शहर की बात कहूँगा तो शाजापुर शहर में 392 मौतें हुई हैं, जो कि एक शमशान का रिकॉर्ड है। अभी कब्रिस्तान और इनके रिकॉर्ड नहीं आए, और इन लोगों ने पूरे शहर के दिखाए हैं 52 लोग, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर FIR होती है तो पूरे कांग्रेस परिवार पे करें आप। धन्यवाद। योजना है, अगर सरकार रेट नहीं कम करती है तो युवक कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा, और उग्र से उग्र प्रदर्शन हम अगर यहाँ नहीं करते हैं, अभी तो जिला स्तर पे हो रहा है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो भोपाल में भी जाके एक उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को ये सिखा देंगे कि विपक्ष बहुत मजबूत है। लोगों की हत्या मत करो, लोगों को परेशान मत करो। समय बदलता है, समय आएगा, आप लोगों को जनता सबक सिखा देगी। धन्यवाद।